नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन खान। जम्मू कश्मीर का जिला पुंछ अक्सर आप इसके बारे में सुनते रहते होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थित इस शहर से पाकिस्तान बॉर्डर बस 7 घंटे की दूरी पर है। पुंछ नदी के किनारे बसे इस शहर में पिछले 1 माह से शांति है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद यहां के नागरिक फिलहाल चैन की नींद सो रहे हैं। 25 फरवरी को भारत पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौता हुआ है। इस समझौते से पहले अक्सर सीमा पार से होने वाली गोलीबारी में यहाँ के नागरिकों को जान माल का बहुत नुकसान होता था। आज भारत पाक के बीच जंग का मैदान बने पुंछ में कभी सिकंदर महान और पौरस का युद्ध भी हुआ था। तो आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर के इस ऐतिहासिक शहर के बारे में। पुंछ शहर, जिस पुंछ नदी के किनारे बसा है, वो पीर पंजाल रेंज से बहती हुई आती है। पाकिस्तान में भी इसी नाम से एक जगह है और वो पीओके में आती है। बेतार नाला दोनों को आपस में जोड़ता है। पीर पंजाल रेंज पुंछ घाटी को कश्मीर घाटी से अलग करता है। साल 2010 में मुगल रोड के पूरा हो जाने के बाद दोनों इलाकों के बीच सीधा सड़क संपर्क हो सका। महाभारत में भी पुंछ का जिक्र होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 7वीं सदी के चीनी के यात्री होनसांग ने भी पुंछ का जिक्र किया था। उन्होंने पुंछ के अलावा राजौरी और अभिसार के बारे में लिखा था। पुंछ कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना है। 326 ईसवी पूर्व के करीब सिकंदर महान ने यहाँ पर हमला किया। झेलम नदी के निचले इलाके में राजा पौरस के साथ युद्ध करने के मकसद से वो यहाँ पर दाखिल हुआ था। उस समय इस क्षेत्र को द्रवाभिसार के नाम से जाना जाता था। 6वीं सदी में मशहूर चीनी यात्री हुन सेंग इस इलाके से गुजरे। उनके मुताबिक ये हिस्सा जो कश्मीर में आता था, मिनी कश्मीर के तौर पर था। इस शहर पर राजा नर का भी शासन रहा, जो घोड़े के व्यवसायी थे। राजा तारंगनी के मुताबिक पुंछ के राजा त्रिलोचन पाल का मोहम्मद गजवनी से युद्ध हुआ था, जो इस इलाके में 120 एडी में दाखिल हुए थे। 1596 में मुगल शासक जहांगीर ने राजा सिराजुद्दीन राठौर को पुंछ का नया शासक बनाया। वो राव जोधा और राव सूरज सिंह के वंशज थे। सन 1819 से 1846 तक पुंछ पर पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह का शासन था। उन्होंने जहांगीर में इसे राजा ध्यान सिंह को दिया था। 1846 में पुंछ राजा गुलाब सिंह की सीमा में आ गया, जो ब्रिटिश राज में पुंछ के शासक बने। 1940 में महाराजा हरि सिंह ने इस पर शासन किया। सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पुंछ के पश्चिमी हिस्से में बगावत होने लगी। यहां पर लोग महाराजा हरि सिंह के शासन का विरोध हो रहा था। विद्रोहियों को पाकिस्तान की तरफ से मदद मिल रही थी। 20 नवंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने इसे विद्रोहियों के चुंगल से छुड़ाया। यहाँ पर स्थित LOC उस हिस्से को भारत से अलग करती है जिस पर विद्रोहियों ने अपना कब्जा कर लिया था। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।